दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी व्यूअरशिप इस समय कम है क्योंकि इस समय पेपर है ही नहीं, लोग आराम से मतलब पढ़े हुए हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा मेरे भाई जब फिर वो कहेंगे बड़ा लेट हो गया। तो ये जो चैलेंज लगभग अपना 21 डेज का था, उसमें से लगभग 14 से 15 वीडियोज हम आपको बना के दे चुके हैं और लगभग लगभग सारी चीजें ऐड है मेरे भाई। तो अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आपको कम से कम 10-12-15 वीडियो हम देंगे अलग से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि और क्या क्या इसमें ऐड होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए महाक्लास भी यहां पे ऐड कर दिए जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो यहां भी कंप्लीट प्लेलिस्ट वगैरह हमने बना रखी है, इसकी PDF वगैरह टेलीग्राम पे है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। काफी सारी पेपर एनालिसिस भी बीच-बीच में लेके आ रहा है, देखते रहो, पढ़ते रहो, मन लगा के मेहनत करते रहो। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन LS कपलिंग। LS कपलिंग क्या है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? तो भैया जो LS कपलिंग है उस पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो ये L क्या है और S क्या है, हटाओ थोड़ी देर के लिए सब कुछ, भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो मेरे भाई कि जब कभी भी सबको क्या पता, जैसे एक आदमी था डाल्टन ने क्या कहा, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती, जिन्हें हम लोग एटम यानी परमाणु कहते हैं। उस एटम के अंदर क्या होता बताओ, उस एटम के अंदर मेरे भाई दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन दो तरीके से चक्कर लगाते हैं, एक तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और एक वो अपनी एक्सिस पर घूमते हैं, अपनी एक्सिस, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। जैसे अगर हम क्या कहें, एक तो हम ऐसे ही नॉर्मल चक्कर लगाएं, चल 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 मेरे साथ ही नॉर्मल, अब हम क्या करें ऐसे घूम घूम, चल 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 ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाएं, तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है मेरे भाई। तो जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसे कहते हैं मेरे भाई स्पिन मोशन। क्या कहते हैं? स्पिन मोशन, चक्रण, यानी सीधे घूम रहे हैं या फिर उल्टे घूम रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन या तो सीधा घूमेगा या उल्टा घूमेगा, उसे हम लोग कहते हैं स्पिन मोशन। और जब वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि भैया वो ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, समझ गए आप। तो इस तरीके से दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है स्पिन अपनी जगह पे घूमना, एक होता है ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना मेरे भाई। तो इस तरीके से एक होता है स्पिन मतलब s, ऑर्बिटल को लिखेंगे l से, तो एक होगा l, एक होगा s, LS कपलिंग, तो दोनों को मिला देंगे। दोनों को जब मिला देंगे यानी L प्लस R कह दो या फिर L प्लस S मतलब L प्लस S कह दो या फिर L माइनस S कह दो, मिलाना है, चाहे जोड़ के मिलाओ, घटा के मिलाओ, कैसे भी मिलाओ, जब दोनों मिल जाएंगे तब हम लोग उसे कह देंगे LS कपलिंग, ठीक है भाई। और L और S को मिला के बनाएंगे टोटल क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग J से लिखा करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कैसे मिलाएंगे, बहुत आसान है, समझो। तो LS कपलिंग को आज के इस वीडियो में ये हमने क्यों लगा दिया, आपको दिखा रहे हैं कि भैया ये सारे पेपर के ही पार्ट है, पेपर में आए हुए हैं मेरे भाई, ठीक। चलो, तो LS कपलिंग जो है आओ बताते हैं। सबसे पहले L क्या है, L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्या, आप समझ गए भाई कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया। S क्या है, S माने स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। स्पिन का क्या मतलब, तो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो सीधा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उल्टा घूम रहा है, जैसा भी घूम रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक भाई। तो L और S के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन को LS कपलिंग कहते हैं, यानी जो L है, L मतलब समझ गए आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, S समझ गए आप, S मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जब वो घूमेगा तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दोनों में जो इंटरेक्शन होगा, सरल भाषा में कहें मेल मिलाप होएगा, खिंचू मचेगा, चाहे मेल मिलाप होए, जो भी होगा मेरे भाई, उसे ही हम लोग कह देंगे इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बोले तो इंटरेक्शन, जैसे हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वीडियो के जरिए, 1-to-1 आप हमें स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ लोग लैपटॉप में देख रहे होंगे तो वो लैपटॉप के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग वीडियो के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई, समझ गए। तो उसी तरीके से L और S जो दोनों होंगे मेरे भाई, उनकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा सरल भाषा में, तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे मेरे भाई LS कपलिंग। क्या कहेंगे? LS कपलिंग कहेंगे। और ये लॉन्ग में बनेगा मेरे भाई, 15 नंबर में 2 पे शॉर्ट नोट पूछा, इसका मतलब ये 7.5 से 8 नंबर में आया हुआ है और आराम से पेपर में आप बना सकते हो, ठीक। तो अब हम एक एक करके बताएंगे, इसी को हम लोग भाई LS कपलिंग या फिर रसल साउंडर्स कपलिंग भी कहते हैं। अब भाई जो बताएगा थोड़ा बहुत उसकी इज्जत भी करी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा, तो रसल साउंडर्स कपलिंग भी इसे कहते हैं भाई, ठीक है।
अब देखो तो सबसे पहले हम बात करेंगे L की। L क्या है, अभी हमने आपको बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, जब मेरे भाई ऑर्बिटल मोशन होएगा, चक्कर लगेगा, यही लिखा हमने, ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग काहे से L से डिनोट करते हैं। L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है। एक आपने छोटे क्लास में टेबल पढ़ी होगी मेरे भाई, वो टेबल क्या हुआ करती थी, इस तरीके की टेबल होती थी SPDF 0 1 2 3, कि हमेशा जो एजी मुथल क्वांटम नंबर होती थी उसका मान कैसे निकालते थे भैया, एल का मान, कि एल का मान एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता था, पी के लिए 1 होता था, डी के लिए 2 होता था, एफ के लिए 3 होता था। हटाओ भाड़ में गई टेबल, अभी आप इतना समझो कि एल की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 0 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है। तो एल का मान 0 है तो एस ऑर्बिटल 1 है, तो पी 2 है, तो डी और 3 है तो एफ होगा मेरे भाई, ठीक। यानी कहीं भी अगर L का मतलब क्या है, अगर एजी मुथल जो क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू अगर आपको कितनी मिल जाती, 2, इसका मतलब वो क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा मेरे भाई, ठीक। तो हमने बता दिया L क्या है, L ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। फिर हमने बता दिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन वाला क्या भैया, या तो वो सीधे घूमेगा, आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा कि इलेक्ट्रॉन भैया दो तरीके से मोशन करता है, या तो सीधे घूमता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमने लिखा स्पिन मोशन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, इसे हम लोग S से डिनोट करते हैं। S से डिनोट करने का दो इसके मान हो सकते हैं, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 मेरे भाई, ठीक है, दो ही मान होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब सीधे घूम रहा है, तो मान होता है प्लस का 1/2, और अगर इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मान होता है माइनस का 1/2 मेरे भाई, ठीक, समझ गए। तो हमने बता दिया एल क्या है, एस क्या है। अब हमें कपलिंग करानी है, तो कपलिंग कराने के लिए हम टोटल क्वांटम नंबर निकालेंगे। देखो भैया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होती है, इसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और जे से डिनोट करते हैं, एल प्लस एस, या तो जोड़ दो, मान लिया एल का मान 2 है, मान लिया एस का मान 1 है, एस का मान कैसे निकालेंगे अभी आपको वो भी बताएंगे, और या फिर घटा दिया L माइनस S, ठीक। कुछ लोग आएंगे S के तो दो ही मान हो सकते हैं, 1/2 या फिर माइनस का 1/2, ये कि एग्जांपल आपको दिया है कि मान लिया मान 2 है, मान लिया मान 1 है, तो किस तरीके से आप जोड़ोगे घटाओगे। ये एक्चुअल में S क्वांटम नंबर नहीं है, S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, और ये क्या है, ये उसका ऑर्बिटल मूवमेंट है मेरे भाई। तो इसे निकालने के लिए मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 फार्मूला लगाना पड़ेगा, कैसे लगेगा अभी हम आपको बताएंगे, सुनो। तो L प्लस अगर निकालोगे तो ऐसे आएगा, जो L प्लस S या L माइनस S है यही J का मान है। तो हमने यहां पे लिखा J इज कॉल्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब पेपर में LS कपलिंग अगर आई, ठीक, तो आपको कपलिंग के साथ साथ या तो D1 से पूछ लेगा या D2 पूछ लेगा, इस लेवल पे आपको एक एग्जांपल लिख के बताना, वरना 7.5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम मानेंगे कि भैया हम D1 ऑर्बिटल के लिए निकाल के दिखाएंगे, तो कैसे निकाल के दिखाएंगे, देखो रिजल्टेंट एंड सिंबल, यानी जो L का सिंबल है वो हमने क्या लिखा, 2D लिखा, क्यों लिखा समझो, अब ध्यान से समझना भैया। अभी हमने आपको टेबल बताई, टेबल क्या है बताओ, S P D F 0 1 2 3 ऐसे करके चलता है। तो जब कभी भी L का मान होता है 2, यहां पर मेरे भाई 5 डब्बे बनेंगे D ऑर्बिटल में, ऐसे करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे। अब बताओ इसके लिए M का मान कैसे निकालते हैं, बताओ पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा यहाँ, और बताओ D का मान कितना होगा, 2, तो ऐसे करके आएगा +2 +1 0 -1 -2 इस तरीके से चलता है। पहले वाले के लिए कितना मान है, देखो 2 है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 2D लिख दिया, क्योंकि D ऑर्बिटल अपना चल रहा है मेरे भाई। दो मान किसके लिए होता है, डी के लिए होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो बहुत कठिन है, तो भैया D1 के लिए फिर याद कर लेना कि भैया जो सिंबल है वो कितना होगा, 2D होगा। फिलहाल याद करने में भरोसा आप नहीं रखते हैं, मेरा मानना तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। खैर, फिर N की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो N की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद S का मान कैसे निकालते हैं, N/2 करके निकालते हैं। तो N का मान 1 रख दिया, S का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, और इस S के मान को रख देंगे मल्टीप्लिसिटी में, जो फार्मूला होता है 2s+1। जब 2s+1 यहां रख देंगे तो 2 आ जाएगा, S का मान 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 हो गया तो फिर हम निकालेंगे J बराबर L प्लस S। L का मान हमने कितना निकाला, मल्टीप्लिसिटी यानी 2 निकाला, तो 2 रख दिया। S का मान कितना है, 1/2 है, S का मान कितना है, 1/2, ये देखो ये निकाला N/2 से सर, ठीक है। J का मान कितना है मेरे भाई, फिर वैसे रख दिया 2 माइनस का 1/2। तो दो मान अपने पास आ गया, या तो 5/2 आ गया, या फिर कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक। फिर लिखने का इन्हें तरीका होता है, ऐसे करके लिखेंगे जो पॉसिबल टर्म्स हो सकते हैं, यानी इनसे कौन कौन से टर्म्स हमें मिल सकते हैं। आपने सुन रखा छोटे क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ा करते थे, परम्यूटेशन पढ़ा करते थे, सारी चीजें पढ़ती थी, नहीं भी पढ़ा, हटाओ यार। लिखने का तरीका है संभावित पद को क्या,
एन प्लस एल और कैपिटल बीच में लिखेंगे, जे नीचे लिखेंगे। एन की वैल्यू हमें पता है वन है, तो वन प्लस इसे लिख सकते हैं टू डी फाइव अपॉन टू या फिर टू डी थ्री अपॉन टू, क्योंकि जे के मान हम लोगों ने दो निकाले हैं, जोड़ने और घटाने पे एक पांच बटा दो आया, एक तीन बटा दो आया, दोनों हमने यहाँ पे मेरे भाई मान रख दिए। ये आप लोगों ने अब इसमें देखो कम वाला मान किसके लिए, टू के लिए, तो ये लोअर स्टेट कहलाएगी, वो हायर स्टेट कहलाएगी मेरे भाई, ठीक है। और इस तरीके से सिमिलरली डी टू डी थ्री डी फोर सभी के लिए मान निकल के आ जाएगा। तो एल एस कपलिंग क्या होती है, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, एक होता है स्पिन मोशन, एक से होगा ऑर्बिटल मोमेंट, एक से होगा स्पिन मोमेंट, एल और एस दोनों को मिला देंगे तो कहलाएगा टोटल मोमेंट मेरे भाई, ठीक है। जे इक्वल्स टू एल प्लस एस, इस तरीके से एल एस कपलिंग काम करती है। डी वन के लिए हमने निकाल के दिखा दिया, डी वन मतलब पहला इलेक्ट्रॉन है तो एन का मान वन रख दिया, एस का मान है अपॉन टू यानी वन अपॉन टू आ गया। मल्टीप्लिसिटी एल निकाले, मल्टीप्लिसिटी निकाल ली हमने, टू एल प्लस वन हो गई, एल का मान पहले से दो चल रहा है सर, ठीक, क्योंकि हमने आपको बताया एस पी डी एफ, एस पी डी जीरो वन टू, डी के लिए भैया एल का मान कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो दो बराबर आ गया मेरे भाई कितना। अब एक और भी तरीका समझो, यहां देखो जैसे हम लोग पहले ऑर्बिटल की बात करें, बिल्कुल सरल तरीका बताते, सुनो ये डब्बा है मेरे भाई, देखो एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन, इसमें डी का मतलब किसके वन है, तो ऐसे याद रख सकते हो यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ क्या करोगे, बताओ यहाँ लिखेंगे, बताओ इसके ऐसे लिखो एस पी डी एफ, मान कितना होता है जीरो वन टू थ्री, तो डी का मान कितना है मेरे भाई, दो मान है पहली बात। दूसरी बात ये क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज के लिए मान कितना होता है, वन अपॉन टू होता है भाई अगर क्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। फिलहाल तो हम लोगों ने मल्टीप्लिसिटी निकाल दी और उसके बाद एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, पाँच बटा दो तीन बटे दो आ गया, और लिखने का एक तरीका होता है उसे हम लोगों ने लिख दिया, और इस तरीके से हम लोगों ने लोअर स्टेट को निकाल लिया मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एल एस कपलिंग लगभग लगभग मेरे भाई हम लोगों ने जो है कवर कर ली है सारी चीज़ें, और अभी अभी अपने पास लगभग छः सात दिन बचे हैं, तो जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बी डी गेडियन को मेरे भाई, टैग करा करो यार, आप तक वैल्यू पहुंच रही है। कहते नहीं है पढ़ाने को तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात वही नहीं, कहते तो कहने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। आप देखिए यहाँ पर तीन तीन चार चार वीडियोस एक दिन के अंदर पब्लिक होनी, कौन पढ़ाता है भाई, आप देख लो कोई एजुकेशनल चैनल उठा के, ठीक है एक टीम होगी हम उसकी बात नहीं करेंगे, नॉर्मली आदमी एक वीडियो दो दो तीन तीन दिन में बनाता और कहता भैया बहुत बिजी है बहुत बिजी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको सारी पी डी एफ सब कुछ एक जगह पर ला के दे रहे हैं मेरे भाई, कुछ बहुत अच्छा करने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, बस आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए सर, ठीक है। और अभी लगभग 19,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हम लोग 3 लाख से, तो इसे भी सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए जिन्हें जिन्हें जरूरत है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।